तो मेरी पहली कविता जो है वो उस जगह के बारे में है, उस जगह को डेडिकेटेड है जहाँ से मैं अभी भी आ रहा हूँ और जहाँ बैठ के मैंने ज़िंदगी के तमाम फैसले लिए, बहुत सारी कविताएं सोची। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चींटियों की एक रेल आती है। टॉयलेट के दरवाजे की निचली चौखट वाली पट्टी पार करके चीटियों की एक रेल आती है, जिसे देखते देखते अचानक जोरदार ताकत का एहसास होता है और मैं चेतना से मुख पानी का मग्गा भर के सबको एक साथ बहा देता हूं। जहन में गूंज उठती है नरसंहार, ताज्जुब में, खुशी के रूप में, अनुभूति के रूप में या फिर उपकार के रूप में कि चीटी के जीवन से इन्हें मुक्ति दिला दी। तभी जान बचाने की अफरा तफरी में व्यस्त दो सर्वाइवर चीटियों पर ध्यान जाता है। संभाल कर धीरे से दोनों के चारों ओर पानी का घेरा बना लेता हूं। दुगना मजा आता है, मौत देने का असली सुख उसका तमाशा देखने में है। धीरे धीरे घेरा बंद हो जाता है, धीरे धीरे घेरा बंद हो जाता है, उनकी जाति में गिरावट आ जाती है और तभी खत्म हो जाता है मेरा कार्यकाल या संभावना मेरे खिलाफ किसी मानवाधिकार मुकदमे की। मैं उठते उठते देखता हूं चीटियों की एक और रेल पर कशमकश के आखिरी छोर पर खड़ा होकर उदार होने का फैसला करता हूं और छोड़ आता हूं उन्हें अपने बाद में आने वाले के लिए, जो उन पर करेगा अपनी उच्चता का प्रयोग, जोर आजमाइश और अपना कार्यकाल खर्च। कमाल है कितना करीबी रिश्ता होता है एक आम आदमी के टॉयलेट और राजा के सिंहासन में। दोनों पर बैठकर दिमाग एक सा ही चलता है।